नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत। मैं हूं विनीता मिश्रा। कोरोना संकट लगातार विकराल रूप लेता जा रहा है। पूरे देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में भी इसका असर काफी देखने को मिल रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसीलिए लगातार गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं कि आप किस प्रकार खुद को कोरोना से बचा सकते हैं। हालांकि कई तरह के गाइडलाइंस जारी किए गए हैं कि आपको पल पल हाथ धोते रहना है, बिना बेवजह अपने आंख, मुंह और नाक को नहीं छूना है। आप एक मास्क अपने मुंह पर पहन रखेंगे तभी कोरोना से बचाव मुमकिन है। और इसीलिए बिहार सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी संजय कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है और उस वीडियो के माध्यम से ये समझाया गया है कि किस प्रकार आप मास्क आसान तरीकों से घर पे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो मास्क का उपयोग कैसे करें और कहां से खरीदें। उन लोगों के लिए वीडियो मददगार साबित होगा। आपको करना कुछ नहीं है, बस कुछ आसान तरीके अपनाने हैं और आप घर पे अपने लिए, अपने परिवार के लिए मास्क बना सकते हैं। आप जो फुटेज देख रहे हैं उस फुटेज को अच्छे से देखिए। एक रुमाल लीजिए, उसको चार भागों में बांट लीजिए, यानी चार तरह से उसे चार तह में लपेट लीजिए। उसके बाद दो रबर बैंड, जो कि घर पे आपको आसानी से मिल जाएंगे, दो रबर बैंड लीजिए और उसको फंसा दीजिए। और ये देखिए, आपका मास्क बनकर तैयार हो गया। ये मास्क आप खुद पहनिए, अपने परिवार को पहनाइए, आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग हों उन सभी को पहनाइए, क्योंकि ये मास्क आपको सुरक्षित रखेगा। जब तक आप खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे, आप दूसरों को सुरक्षित कैसे रखेंगे? इसलिए मास्क पहनना बेहद अनिवार्य है। और ये मास्क जब आपको गीला महसूस हो या गंदा हो जाए तब आप इसको धो दें, और बिना धोए इस मास्क का दोबारा उपयोग ना करें। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने मास्क अपने मुंह पे लगाया है, आपके हाथ गंदे हैं, तो उन गंदे हाथों से अपने मास्क को कभी ना टच करें। अपने हाथ को पहले सैनिटाइज करें, अच्छी तरह धोएं, सैनिटाइज करें और तब अपने मास्क को छू सकते हैं। जब तक आपके हाथ गंदे हैं आप मास्क नहीं छू सकते। तो इस तरह सावधानी बरतें और खुद भी कोरोना से बचें, दूसरों को भी कोरोना से बचाएं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अजय भारत।